हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द अबिस व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड और स्वागत है आपका हमारे थाईलैंड सीरीज़ के पांचवें एपिसोड में। जैसा कि आपको थंबनेल देख करके पता लग ही गया होगा कि हम आज जा रहे हैं स्नॉर्कलिंग करने, तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। सो प्लीज़ स्टे विद मी टिल लास्ट। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। I keep four. Four is one island, you know which island. 1 hour at 10 or 1 hour 20. Depend on the windy and choppy. Big windy, big choppy, maybe 1 hour and a half. Big wind, big choppy or raining, not I do. Because you know, nature. तो बेसिकली हमारे टूर गाइड हमारी आज की एक्टिविटीज़ और प्लेसेस के बारे में बता रहे हैं कि हम कौन कौन सी जगह पर जाने वाले हैं और वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मायाबे आइलैंड, मंकी बीच, वाइकिंग्स आइलैंड, इन प्लेसेस पे हम लोग जाने वाले हैं। और उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ होनी हैं राइडिंग या स्नॉर्कलिंग वगैरह, उनके बारे में हमें समझा रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस के बारे में बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल जेलीफिश पे आप पैर ना रख दें और एक्स वाई जेड ऐसा ही। इसके अलावा हमें एक बैंड दिया गया था जो कि हमें बताया गया था कि आप हर टाइम इसको पहने रहें सो दैट दे रिकॉग्नाइज कि हम उन्हीं के ग्रुप का हिस्सा हैं। तो इनकी ज्ञान की बातें तो बहुत देर तक चलने वाली हैं। बगल में हमारी बोट खड़ी है सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए चलते हैं बोट पर। जैसे ही हमारे आज के दिन के ट्रिप की शुरुआत हुई और हम बोट पर बैठे, आई रियलाइजेस कि मेरा आज तक का सबसे बेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस होने वाला है। बिकॉज ओशियन इज़ द थिंग जिससे मुझे हमेशा से बहुत डर लगता था और मैं हमेशा से एक्सप्लोर करना चाहता था। आई नेवर थॉट कि मेरा पहला ओशियन एक्सपीरियंस इंडिया से बाहर होने वाला है, वो भी थाईलैंड में फुकेट जैसी जगह पर। सो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, ऑल द एक्टिविटीज़, ऑल द प्लेसेज दैट आई हैव इमेजिन मैं उन्हें एक्सप्लोर करने जा रहा था। सो दैट वॉज बिग थिंग फॉर मी। Yeah.
दिस इज़ द प्लेस जहाँ हमें रेडी होना है और स्नॉर्कलिंग करना है. सो चलिए लेट्स जंप इन द स्नॉर्कलिंग पार्ट.